पूरे गांव में क्या एक ही हैंडपंप है भाई? इतने बड़े बड़े रास्ते से क्यों लेके आ रहा अपने को भाई? इतनी बड़ी बड़ी गली, शुक्र रास्ता है। मैं जाऊँगा संजय नगर, आपको कौन बता दूंगा। आई थिंक 8-9 आइटम है अपने पास भाई। एक ऑप्शन है, बाइक को यहीं खड़ी करके ना पैदल जाके ऑर्डर दे आते हैं। लो जी भाई ट्रेन आ गई है। अरे मैंने आ रहा आज, कैसा लगा मेरा मजाक? मैं जी आपके सरकारी हैंडपंप पे खड़ा हूँ। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अंडर ब्लॉक। भाई ब्लॉक की स्टार्टिंग कर रहे हैं भाई इवनिंग से। आपको लग रहा होगा देख के भाई नाइट हो रखी है, तो मैं आपको भाई टाइम दिखा दूँ। टाइम हो रखा भाई 7:33 और भाई नाइट होती है 8 बजे से। तो भाई ब्लॉक की स्टार्टिंग इवनिंग से कर रहे हैं और भाई आज अपन जा रहे हैं अमेजोन फ्लैक्स में, बिकॉज भाई आज है मंडे और मंडे वाले दिन भाई अपन फ्लैक्स करते हैं या फिर अदर कुछ करते हैं, बस जोमेटो नहीं करते। जिनको पता भाई, इनको पता है अपन जोमेटो क्यों नहीं करते। फ्लोर है 47 का और भाई अपन जा रहे हैं वेयर हाउस और चल के देखते हैं भाई क्या रूट वगैरह मिलेगा। और अभी मेरे को कॉल आ गया सबसे भाई, कह रहा भाई प्रदीप भाई जल्दी आ जाओ, रूट फंस रखा है मेरा। अरे भाई रूट फंस रखा था, मैं क्या करूँ भाई, मैं तो अपने हिस्से के ऑर्डर लेके जाऊँगा ना। कि यार अपन जो काम करते हैं ना सुबह और शाम ही करते हैं, दोपहर में भी काम नहीं कर रहे अपन, बिकॉज गर्मी बहुत तगड़ी वाली हो रखी है भाई। दो पैसे कम कमा लेंगे लेकिन भाई चैन के कमाएंगे यार, क्योंकि भाई कुत्ता खिचड़ी करनी होती है तो भाई कहीं नौकरी नहीं कर लेते हम, फील्ड क्यों ही करते हैं भाई। फील्ड अपनी नौकरी भाई ऐसी है, इंडिपेंडेंट काम होता है, मन है तो करो अदरवाइज मत करो। तुम्हें जितने पैसे चाहिए इतने पैसा कमाओ भाई, फील्ड में तो ऐसा सीन है, बस पैसा कमाई जाओ कमाई। वो जी भाई पहुंच चुके हैं वेयर हाउस भाई, फिर कॉल आई बंदे की। हेलो, अरे छोड़ तो दिया भाई यार, रोस्टर चाय रिफ्रेश करो। तो भाई करते हैं स्टार्ट पे क्लिक और सेल्फी के देखते हैं, सेल्फी आएगी तो भाई सेल्फी देनी पड़ेगी भाई, सेल्फी आई सेल्फी देनी पड़ेगी अपने को। तो भाई सेल्फी दे दिए, थोड़ा सा टाइम लेगा मैक्सिमम 30 सेकंड का, और करते हैं चेक इन। और टाइम देख लो भाई 7:43, अपन टाइम से आ चुके हैं। हेलो, अरे मैंने आ रहा आज, ऐसा लगा मेरा मजाक। तो भाई जी रूट मिल चुका है अपने को, जल्दी जल्दी करके अपने सारे ऑर्डर निकाले थे, अपने को 3 ही ऑर्डर मिले हैं, तो जल्दी से अपने सारे ऑर्डर निकालते हैं अपन। और बहुत ही प्यारा रूट मिला है अपने को। बदमाश तो याद रखिए, हम तो गरीब आदमी हैं। तो भाई जी ऑर्डर हो चुके हैं पिकअप अपने, आते हैं मुझे एप्लीकेशन में भाई मैप के अंदर। अभी अपने को 3 ऑर्डर मिला है, 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, दो नंबर राजनगर, 3 नंबर है भाई अपना, ये कहाँ का ऑर्डर था, 3 नंबर है भाई जागृति बिहार गुलदड़ उनके पास का, मतलब है संजय नगर का, और 4 नंबर है रईसपुर का। समरी में आते भाई एक ऑर्डर है अपना अनपेड, जो कि भाई अपना ये रईसपुर का ऑर्डर, ये अपना ऑर्डर अनपेड है। तो अपन डिलीवर इस तरह करेंगे अपन, 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, और टाइम रखा 7:55। और भाई जी बाइक का मीटर है 15,088। तो भाई रूट तो काफ़ी रखे हुए थे लेकिन भाई अपने ने वाला रूट लिया, बिकॉज यार ये रूट अपने को थोड़ा ठीक सा लगा, इसमें वेट थोड़ा कम सा है और थोड़ा ठीक सा लगा, जिसमें कि भाई दो ऑर्डर तो जैनवन है, बाकी एक ऑर्डर रईसपुर का है, उसको भी अपन डिलीवर कर ही देंगे जैसे भी रहेगा भाई। ऑर्डर COD है, थोड़ी सी दिक्कत वाली बात यह है, वरना तो भाई पेड ऑर्डर में दिक्कत बहुत कम होती है, लोकेशन में उनकी अधिकतर एक्यूरेट रहती है। तो भाई जो बाकी अदर ऑर्डर अदर लोकेशन के ऑर्डर रखे थे ना भाई, उसमें भाई एक आपका GT रोड और भाई दूसरा आपका मोहन नगर, तीसरा सेवा नगर। तो भाई उनमें से यार सेवा नगर का ऑर्डर भाई अपने समझ से बाहर है, सेवा नगर के मुकाबले अपन को रईसपुर अच्छा लगेगा, क्योंकि भाई रईसपुर में अपन ढूंढ लेंगे, बट सेवा नगर में भाई अपनी हो जाती है हालत ख़राब। मैं जब भी वहाँ गया हूँ मेरा पागल ही बनाया, मतलब पागल भाई, मतलब एड्रेस प्रॉपर मिलते नहीं है, लोकेशन गलत रहती, कस्टमर फ़ोन उठाते भाई, बहुत सारी दिक्कतें रहती हैं। और बाकी एक रूट था भाई आपका, 3 ही ऑर्डर थे, 3 ही लैंडक्राफ्ट के, लैंडक्राफ्ट सोसाइटी एरिया भाई सारा, मैंने कहा उसमें फंसने से अच्छा भाई फ्लोटिंग एरिया के ऑर्डर ले और अपने जल्दी जल्दी मारे ख़त्म कर काम को। तो भाई चलता है बिना देरी करे सीधा फर्स्ट ऑर्डर की लोकेशन पे, मिलते हैं यहाँ से पहुँच के राजनगर। इधर है रेलवे फाटक और यहाँ फाटक आई थिंक बंद है, तो इस चक्कर में भाई फाटक बंद है तो यहाँ तक होगा ट्रैफिक। अच्छा बता, फाटक से अपन इसलिए आए थोड़ा शॉर्टकट पड़ जाता अपने को, नहीं तो भाई अगर वहाँ से आता ना घूम के बहुत लंबा पड़ता। फिलहाल करते हैं वेट, आवाज़ तो आ रही है गाड़ी के हॉर्न की। लो जी भाई ट्रेन आ गई है, अब बस कुछ ही सेकंडों में फाटक खुल जाएगा अपना। भाई जी पहुंच चुके हैं फर्स्ट लोकेशन अपनी RDC वाली पे, और मैप वाले भाई ये बोल रहे हैं यहाँ से राइट ले लो, और भाई राइट में है रास्ता बंद, क्या करा जाए, एक मिनट देखते हैं भाई रास्ता आगे है कुछ या नहीं है। भाई जो आगे रास्ता दिखा रहा है वो काफ़ी दिखा रहा है अंदर। तो अपने पास भाई एक ऑप्शन है, बाइक को यहीं खड़ी करके ना पैदल जाके ऑर्डर दे आते हैं, क्योंकि भाई बाइक फिर बहुत घुमा के लानी पड़ेगी अपने को। ऑर्डर तो अपने निकाल लिए सारे अपने ने, बाइक का ताला भी मार दिया है, इसको स्कैन कर लेते हैं, हो जाए स्कैन भाई, देखना भाई कस्टमर का
का प्लॉट नंबर देखते हैं और कोठी कर से कोठी कौन सी, क्योंकि भाई राजनगर एरिया सारा कोठी एरिया है भाई। कस्टमर इतना अच्छा भाई, बढ़िया बहुत अच्छे से बात करी मेरे से, और उस टाइम कैमरा मैन देखा ऑफ था। ये दुख का ख़त्म नहीं होता बे, सुमित के नाम से ऑर्डर है। ये बैग खाली करना, इधर कर दूँ सामने, आठ देख लेता हूँ क्या क्या आइटम है। आई थिंक 8-9 आइटम है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 आइटम है। ठीक है जी, थैंक यू। तो भाई करते हैं डिलीवर ऑर्डर को भी अपने, फर्स्ट ऑर्डर अपना आज के, कंटिन्यू कंफर्म ऑन स्वाइप टू फिनिश। आप कहाँ पे जाओगे? फ्लाईओवर पर कहाँ जाओगे आप? मैं जाऊँगा संजय नगर, आपको कोने पर उतार दूँगा। बैठ जाओ, जैसा आपको मन ऐसे बैठ जाओ। ठीक है, कैसे बैठे हो आप? आगे आगे हो जाओ ना, और इस पैर इसके ऊपर कर लो इसको। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, ना ना कोई खराब होने का सामान नहीं। ठीक ठीक है ना, ऐसा ना आराम से बैठ के लो, कोई दिक्कत नहीं। तो भाई अपना फर्स्ट ऑर्डर हो चुका है कम्प्लीट, और अंकल जी बैठे थे यार, एक बोल रहे थे मुझे बैठा ले यार, और उनके पास हेलमेट भी था। मैंने कोई नहीं अंकल जी बैठा लूँगा, बस अपने पास थोड़ा सामान कम है, बड़ा बैग भी नहीं, छोटे बैग में सारा काम हो चुका है। तो भाई चक्कर में अपने बैठा लिया अंकल जी को, भाई अपन तो जा ही रहे वैसे इधर, पता है मैंने अंकल जी से बड़े बुजुर्ग से, तो मैंने बैठा लिया। अदरवाइज कोई वैसा बंदा बनता मैं जल्दी बैठाता नहीं हूँ, क्योंकि भाई सामान वगैरह साथ में जाता है, मान लो बैग दिखाए पीछे कहीं बंदा कोई बैग ही पार कर ले तो सामान ही, इस चक्कर में भाई पता पड़ रहा भलाई के चक्कर में अपनी दिक्कत हो जाए। बात तो सही है, फिलहाल वाले अंकल जी को ड्रॉप करते हैं, यहाँ पर उतार दूँ इधर, मैं आगे संजय नगर जाऊँगा। संजय हाँ हाँ सही बात है, चलो कोई नहीं यार, अपन तो साइड जा ही रहे वैसे भी। हाँ हाँ मैं इधर मुड़ जाऊँगा, आपको ही उतार दूँगा, आराम से बनना अंकल जी। ठीक है ठीक है जी, ओके ओके। भाई अपन थे हेल्प करने की कंडीशन में, तो अपने ने हेल्प कर दी भाई, अपना तो वो वाली बात है यार, जिससे मतलब जितनी जितनी हेल्प हो जाए भाई अपन हेल्प कर देते हैं, क्योंकि यार भाई वो बंदा भला करे ना करे, वो बंदा अपने को टाइम की बोले ना बोले, ऊपर वाला तो भाई सब देखता है भाई, वो कहते हैं भाई कर्म करते चलो, फल की टेंशन मत करो, फल ऊपर वाला दे देगा। बाकी अभी चलते अपने अपन सेकेंड ऑर्डर की लोकेशन के लिए, जो कि भाई गुलदर, मैंने आपको बताया था गुलदर वाला है, जागृत विहार की तरफ का। अब भाई कस्टमर की लोकेशन एक्यूरेट है या नहीं इसके बारे में मैंने ज़्यादा देखा नहीं, बाकी लोकेशन करके देखते हैं क्या सीन रहता है। भाई लोकेशन के अपन आसपास ही हैं, तो कस्टमर को लगाते हैं फ़ोन, ताकि भाई उन्हें बता दें हम कहाँ पे खड़े हैं, क्योंकि भाई कुछ सेकंड लेती है कॉल लगने के लिए, क्योंकि भाई कॉल ट्रांसफ़र होती है ना कंपनी के थ्रू, डायरेक्ट कॉल कस्टमर को नहीं जाती। ठीक थैंक यू, चलो भाई करते हैं डिलीवरी ऑर्डर को भी, सेकंड ऑर्डर तो अपना ऑर्डर पेड है, अच्छी बात है भाई। और भाई अभी निकल रहा है अपन अपने थर्ड एंड लास्ट ऑर्डर की लोकेशन के लिए, जो कि है भाई रईसपुर का। रईसपुर की लोकेशन यहाँ से थोड़ी सी दूर है, दूर तो नहीं थोड़ी सी दूर है, सीधा निकलता है लोकेशन के लिए, मिलते हैं आपसे लोकेशन पर पहुँच कर। भाई अभी हैं अपन रईसपुर गाँव के अंदर, और लोकेशन क्या करिए भाई, कहाँ से आना है भाई, लोकेशन करिए यहाँ से निकलने के लिए, रास्ता है यहाँ से, ट्राई कर लेते हैं, चलिए एक बार पता पड़ जाएगी आज रास्ता है भी आने को यहाँ पे। भाई आज तो अमेज़ोन निकाल लिया अपने को नए नए रास्तों से, देखते भाई कहाँ निकले गए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं भाई अपन वापस आ जाएंगे, ऐसा तो कोई सीन नहीं कि भाई अपने जल्दी आना है, मतलब ऑर्डर बच रहे हैं, जल्दी तो जाना है, लेकिन ऐसा सीन नहीं कि ऑर्डर बच रहे हैं बहुत सारे, एक ही ऑर्डर बच रहा है और टाइम अपने पास बहुत सारा है। ओहो भाई हैवी ड्राइवर है, वहाँ से कैसे जाना है, लाइट दिखा रहा है भाई, इतनी बड़ी बड़ी गली, शुक्र रास्ता है, तो मुझे लगा रास्ता नहीं होगा। अबे 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 भाई फंस गया मैं तो, दिखा तो रहा रास्ता यार, ट्राई करते हैं, लो जी भाई ऐसी ऐसी गलियों ने बाढ़ दिया आज अमेज़ोन ने अपने को, यहाँ से कह रहा भाई लेफ्ट लो राइट लो, जहाँ लेना वहाँ लो रास्ता, सब्जी कैसे कह रहा है भाई, इतने बड़े बड़े रास्ते से क्यों लेके आ रहा है अपने को भाई, इतने बड़े बड़े रास्ते से क्यों लेके आ रहा है अमेज़ोन अपने को भाई, यहाँ से तो भाई चार पहिए गाड़ी भी आराम से निकलेगी उड़ती हुई, मुझे ऐसे को लग रहा है मैंने कुछ गलत रास्ता पकड़ लिया शायद भाई, यहाँ से लेफ्ट फिर देन राइट, और कस्टमर जी के हम लोकेशन के आ जाएंगे बिल्कुल दोहरे ही। अब भाई हम क्या सोच रहे हैं, इनका फ़ोन लगा लेते हैं, क्योंकि इनका जो एड्रेस है ना भाई, एड्रेस में नीचे डाल रखा है सरकारी हेडरूम के पास, मैं दिखाऊं भाई आपको, तो दिखे तो
क्या सरकारी हैडपम्प भाई, इतना अच्छा नियर में कौन डालता है भाई, पूरे गांव में क्या एक हैडपम्प है। लो जी भाई सरकारी हैडपम्प तो ये रहा, कस्टमर कौन है इसके लिए फ़ोन लगाया अपने ने। आई थिंक भाई ये वाला घर है शायद, इनमें दोनों उसको ही घर है। हेलो हाँ भैया कहाँ पे हो? मैं जी आपके सरकारी हैडपम्प पे खड़ा हूँ। हाँ जी हाँ जी। आप ही हो ना? सर भाई कस्टमर हो चुका है आइडेंटिफाई। भाई ऑर्डर है कैश ऑन डिलीवरी, ऑर्डर भी नहीं पेमेंट करनी है बस। सीओडी था? हाँ जी। यूपीआई कर दो? ठीक थैंक यू हो गया। हाँ ऑर्डर हो चुका है कम्प्लीट, पेमेंट होगी यूपीआई, करते हैं डिलीवर स्वाइप टू फिनिश। और भाई टाइम रखा है 8:30 हो चुके हैं, और बाइक का मीटर देखें कितना है भाई, बाइक का मीटर है 15,094। भाई जी हो चुके हैं फ्री अपन लास्ट ऑर्डर से भी। तो भाई जी अपन 8 बजे समथिंग ऑर्डर लेके निकले थे, और 8:30 बजे मतलब भाई आधे घंटे में अपने 3 ऑर्डर हो चुके कंप्लीट। कोई दिक्कत नहीं अपने भाई, हो गया अपना एडजस्ट। और भाई सबसे अच्छी बात है कस्टमर ने पेमेंट कर दी यूपीआई, नहीं तो थोड़ा चेंज वेंज का इशू होता, तो थोड़ी सबसे बेटर ऑप्शन है यूपीआई कर दो ना, चेंज की दिक्कत तुम्हें ना हमें। तू समझा? नहीं तू समझा नहीं। और भाई बाइक की बात करो तो मेरी बाइक चली है सिर्फ 2 किलोमीटर और 4 किलोमीटर, मतलब 6 किलोमीटर सिर्फ अपनी बाइक चली है। 6 किलोमीटर के अंदर भाई अपने 3 ऑर्डर डिलीवर हो चुके हैं, पिकअप टू डिलीवर भाई, और जिसमें कि वेयर हाउस से भी अपन आए हैं, तो भाई काफ़ी अच्छी बात है। बाकी अभी अपनी फ्लोट की अर्निंग है भाई ये, जो अपने 6 किलोमीटर बाइक चला के और भाई सिर्फ आधे घंटे में अर्न कर लिया है, ये भी काफ़ी अच्छी बात है। भाई सुबह भी अपने 4 फ्लोट के थे, जिसकी भाई टाइमिंग 5:30 थी, फिर 7:45, 9:45, फिर 12 से 2 वाला, मतलब भाई देखा जाए तो 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 2, मतलब सुबह भी अपने ने भाई 4 स्लॉट करे हैं और 1 स्लॉट अपने ने अभी करा है। तो भाई जी 260 × 5 भाई अपने ने आज 1300 रुपये की अर्निंग कर ली है। और भाई सुबह वाले ऑर्डर में जो अपने ने फर्स्ट स्लॉट में 4 ऑर्डर मिले थे, सेकंड में 4 मिले थे, थर्ड वाले में अपने को सिर्फ 1 ही ऑर्डर मिला था, फोर्थ वाले में मिले थे अपने को 3 ऑर्डर, जिसमें 1 ऑर्डर अपना कैंसिल भी हो गया था। तो भाई ठीक है यार, मतलब 4 × 4 = 8 और 12 और 12 × 3 = 15 ऑर्डर करें अपने, 15 ऑर्डर में भाई 1300 रुपये की अपनी अर्निंग हो चुकी है, जो कि भाई बहुत ही अच्छी बात है भाई मेरे नज़रों में ना, इससे इंडिपेंडेंट काम कुछ और नहीं है भाई। बाकी अदर कंपनी भी मतलब जितने अदर प्लेटफॉर्म है अर्निंग के, जैसे मान लो भाई बाइक टैक्सी है, फूड डिलीवरी है, सब में अर्निंग अच्छी है, मेरे को फ्लैक्स बहुत बेटर लगती है भाई, सहूलियत है इस काम में। इसमें देखो 2 घंटे का काम था अपने, इसमें 2 घंटे का अपना आधे घंटे फ्री हो गया और अपन हो गए फ्री। बट जोमेटो में क्या है भाई, जिस बुक कर लिया अपने 2 घंटे की, मान लो आपके टारगेट जो था 2 घंटे में 2 ऑर्डर करने हैं, 2 ऑर्डर पूरे हो गए, फिर भी आपको लॉग इन रहना पड़ेगा। बट यहाँ कोई ऐसा सीन नहीं है, यहाँ भाई अपना अपना काम ख़त्म और अपने घर जाओ, बस अपने को बैग जमा करने, अपना अपना काम ख़त्म। तो भाई बताना यार आपको कौन सा काम बेटर लगता है। तो अपन बाकी ब्लॉग कहीं एंड करते हैं, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना वीडियो क्या अच्छा लगा। तो भाई मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे भारत, बाय बाय।